कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर पार्टी नेताओं की बैठक, वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत बैठक में मौजूद, कर्नाटक में जीत पर मंथन। बुधवार को कुमारस्वामी अकेले ले सकते हैं कर्नाटक के सीएम पद की शपथ, सूत्रों के हवाले से खबर, बहुमत परीक्षण के बाद बाकी मंत्री लेंगे शपथ। कर्नाटक में कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सीएम ने जेडीएस और कांग्रेस के नियुक्ति को किया स्वीकार। जेडीएस नेता कुमारस्वामी आज दिल्ली में सोनिया और राहुल से करेंगे मुलाकात, शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए करेंगे आमंत्रित। जज लोया मौत के मामले में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका, मामले की एसआईटी जांच कराने की मांग। गुजरात के राजकोट में दलित मजदूर की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या, हत्या का वीडियो आया सामने, जिग्नेश मेवाणी ने बीजेपी पर बोला हमला, गुजरात दलितों के लिए सुरक्षित नहीं। भारतीय कार्रवाई के बाद भी नहीं सुधरा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में गोलीबारी जारी, पाकिस्तान ने दागे मोर्टार, अरनिया में स्कूलों को कराया गया बंद। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब, कहा ये नहीं मानने वाले, सीमा पर सीज फायर रहेगा जारी। उत्तराखंड के जंगलों में आग का कहर, 5 दिनों में आग की चपेट में आए श्रीनगर और हरिद्वार के कई जंगल, वन विभाग ने करोड़ों के नुकसान की जताई आशंका। केरल में फैला निपा वायरस, वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 3, 25 लोगों के खून में निपा वायरस होने की पुष्टि। कानपुर में जहरीली शराब से अब तक 11 लोगों की मौत, मृतकों के परिजनों ने थाने में आरोपी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर किया हंगामा। नई दिल्ली से विशाखापट्टनम जा रही ट्रेन में लगी आग, मध्य प्रदेश के बिरला नगर स्टेशन के पास 2 बोगियों में लगी आग, दमकल रेलवे और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मध्य प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक और बस की टक्कर में 10 लोगों की मौत, 30 घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रूस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करेंगे अनौपचारिक मुलाकात, रूस भारत परमाणु समझौते पर हो सकती है बातचीत। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने तोड़े पुराने सभी रिकॉर्ड, पेट्रोल 76 और डीजल 68 रुपए प्रति लीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर, लगातार 7वें दिन बढ़े दाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर निशाना, कर्नाटक चुनाव परिणाम पलटते ही सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम। वेनेजुएला में एक बार फिर निकोलस मदुरो ने संभाली राष्ट्रपति पद की कमान, मदुरो को मिले 58 लाख वोट, समर्थकों ने मनाया जश्न। आईपीएल में राजस्थान और बेंगलुरु के बीच मुकाबला आज, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। योद्धा के अवतार में दिखी सनी लियोनी, साउथ इंडियन फिल्म में योद्धा के अवतार में दिखेंगी सनी, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल। और 23 साल बाद एक बार फिर दिखी माधुरी रेणुका की जोड़ी, लो चली मैं गाने पर किया जबरदस्त डांस, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो।